मैंने रिसेंटली अर्बन का नैनो पावर बैंक जो है 20,000 mAh उसका अनबॉक्सिंग किया था, ठीक है। और उससे पहले मैंने ड्यूरासेल का 20,000 mAh का जो पावर बैंक था वो भी अनबॉक्सिंग किया था। दोनों ही पावर बैंक सेगमेंट में, इतना सारा पावर बैंक में सबसे जबरदस्त पावर बैंक है। जी हाँ दोस्तों, ये दो पावर बैंक सेगमेंट का एकदम खतरनाक वाला पावर बैंक है। अब दोनों में दोस्तों कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, इसमें जैसे कुछ अच्छा ही है तो इसमें भी कुछ अच्छा ही है। अब दोनों ही पावर बैंक दोस्तों इतना अच्छा है कि आप लोग खूब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दोनों में से कौन सा चूज करें। पर दोस्तों आज के इस वीडियो देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में दोनों पावर बैंक को मैंने इस तरह से कंपेयर किया है इस वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए। और ये दोनों ही पावर बैंक का जो डेडिकेट अनबॉक्सिंग वीडियो है वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं ये दोनों वीडियो का लिंक दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं आखिर मैं क्यों ये दो पावर बैंक को पावर बैंक सेगमेंट में सबसे बेस्ट पावर बैंक में बोल रहा हूं। और आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं दोनों ही पावर बैंक का जो बेस्ट बाय लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पर ये वीडियो को पहले पूरा देख ले, पूरा डाउट्स क्लियर कर ले उसके बाद। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहन, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से हमारे इस वीडियो पर। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में दिया बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लेना, ताकि दोस्तों आगे भी ऐसे जब यूजफुल वीडियोस हम लाए आप जो सबसे देख पाए। और आप अगर हमें सब्सक्राइब करते तो हमें और मोटिवेशन मिलता है आगे इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर लिए होंगे। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लुक। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही पावर बैंक का लुक बहुत ही प्यारा है। अगर ड्यूरासेल की बात करें, अर्बन से थोड़ा सा बेस्ट मुझे लगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लुक के साथ आता है। और अगर अर्बन की बात करें, अर्बन का लुक है डिसेंट है, सिंपल है, लेकिन उस मामले में ड्यूरासेल यहाँ पे विन कर जाता है। सेकंड बात करते हैं साइज। अगर साइज की यहाँ पे बात हो रहा है तो यहाँ पे सिंपली विन कर जाएगा अर्बन, क्योंकि अर्बन यहाँ पे बहुत ही अल्ट्रा कॉम्पैक्ट साइज के साथ आता है। अगर एक एग्जांपल दूं छोटा सा, आप मेट्रो कार्ड देखे अपने वॉलेट में रखते हो बस उतना ही दोस्तों, ये 20,000 mAh का अर्बन पावर बैंक आता है। तो यहाँ पे साइज के मामले में अर्बन विन कर जाता है ड्यूरासेल से, क्योंकि ड्यूरासेल का पावर बैंक थोड़ा सा बड़ा है अर्बन से। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे छोटा पावर बैंक अभी तक का इंडिया में दोस्तों ये अर्बन का ही पावर बैंक है, जो कि दोस्तों 20,000 mAh के साथ आता है और बहुत ही अल्ट्रा कॉम्पैक्ट साइज है। आप इसको अपना पॉकेट में भी इजीली कैरी कर सकते हैं। तो आपको अगर बेस्ट नैनो पावर बैंक चाहिए 2024 में, तो ये पावर बैंक आंख बंद करके आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्लिमेस्ट की। जी हां दोस्तों, अगर स्लिम की बात करें यहां पे, तो सिंपली विन कर जाता है ड्यूरासेल। जी हां, क्योंकि ड्यूरासेल का जो पावर बैंक है वो बहुत ज्यादा स्लिम है अर्बन के मुकाबले में। अर्बन का जो पावर बैंक है वो छोटा है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मोटा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, आपको अगर पतला स्लिमेस्ट पावर बैंक चाहिए तो आप यहाँ पे ड्यूरासेल के साथ जा सकते हैं। ड्यूरासेल का पावर बैंक यहाँ पे काफी स्लिमेस्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेट। जी हाँ दोस्तों, पावर बैंक जब हम लोग खरीदते हैं तो यहाँ पे वेट हम लोग नहीं देखते, लेकिन वेट भी देखना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे वेट की अगर बात करें, ड्यूरासेल का जो पावर बैंक है इसका वेट यहाँ पे 325 ग्राम आता है, और वहीं पे अगर अर्बन पावर बैंक की बात करें तो यहाँ पे 305 ग्राम आता है। ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा सा भी बहुत होता है, तो इस केस में अर्बन विन कर जाता है ड्यूरासेल से। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट्स। यहाँ दोस्तों पोर्ट्स किस में कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर अर्बन की बात करें, यहाँ पे तीन पोर्ट देखने को मिलते हैं, दो यहाँ पे टाइप सी और एक USB। ये तीनों ही पोर्ट आउटपुट का काम करता है, मतलब ये तीनों पोर्ट से आप अदर डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और अगर पावर बैंक को चार्ज करने की बात है तो यहाँ पे दो टाइप सी पोर्ट है, इसमें आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और ड्यूरासेल और अर्बन दोनों ही दोस्तों फास्ट चार्जर सपोर्ट करते हैं, मतलब दोनों को दोस्तों आप 18 W का फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। और वहीं पे अगर ड्यूरासेल की बात करें, ड्यूरासेल में आपको चार पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपको एक टाइप सी पोर्ट, एक टाइप बी पोर्ट और दो USB पोर्ट देखने को मिलता है। ड्यूरासेल के यहाँ पे चार पोर्ट देख रहे हैं, इसमें से टाइप बी और टाइप सी जो है उसमें आप इनपुट दे सकते हैं, और बाकी का जो USB पोर्ट देख रहे हैं दो, और टाइप सी इसमें से आप आउटपुट दे सकते हैं। यहाँ पे टाइप बी का जो पोर्ट देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, जो कि अर्बन में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो सिंपल यहाँ पे चार अलग अलग पोर्ट होने की वजह से ड्यूरासेल यहाँ पे विन कर जाता है अर्बन से। नेक्स्ट बात करते हैं डिवाइस कॉम्पेटिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही दोस्तों सेम है। इस केस में दोनों ही पावर बैंक सेम है, दोनों ही पावर बैंक को यूनिवर्सल बनाया गया है, मतलब दोनों ही पावर बैंक से आप कोई भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। कोई भी मीन्स लैपटॉप, चार्जर, हेडफोन, स्मार्ट वॉच, कुछ भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे सिमिलर है। नेक्स्ट पॉइंट है चार्जिंग टाइम। जी हाँ, अगर चार्जिंग टाइम की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पावर बैंक के लिए, कौन सा पावर बैंक कितना टाइम ले रहा है चार्ज होने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ड्यूरासेल का जो पावर बैंक है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है अर्बन के मुकाबले में, क्योंकि अर्बन में यहाँ पे 2.5x फास्टर चार्ज देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी चीज है। अर्बन का जो पावर बैंक है वो खुद भी फास्ट चार्ज होता है और अदर्स डिवाइसेस को भी तो फास्ट चार्ज करता है। यहाँ पे आपको 2-way फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी बात है। ड्यूरासेल पावर बैंक अगर चार्जिंग टाइम की बात करें, यहाँ पे
5 वॉट है। और यहाँ पे अर्बन पावर बैंक के चार्जिंग की अगर बात करें, यहाँ पे आप अगर टाइप सी चार्जर से यहाँ पे चार्ज करते हैं इसको 33 वॉट या अदर्स से, तो यहाँ पे 3 घंटे में चार्ज हो जाएगा। और अगर आप इसे 18 वॉट का चार्जर से चार्ज करते हैं तो यहाँ पे 4 से 4.5 घंटा देखने को मिलेगा। अब दोनों पावर बैंक यहाँ पे 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अर्बन में दोस्तों बहुत फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा और साथ ही में 2A चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। ये 2A फास्ट चार्जिंग क्या, मैं आपको सिंपली मैं बता दूं, मान लो आप इसको चार्ज में लगा कर रखे हो और उसी टाइम दोस्तों इससे दोस्तों अदर्स डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हो, तो यहाँ पे अर्बन इसे 2A फास्ट चार्जिंग कहते हैं, जो कि दोस्तों ड्यूरसेल में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फिर से दोस्तों अर्बन जीत जाता है ड्यूरसेल के मुकाबले में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अभी जितना भी पावर बैंक आ रहे हैं उसमें कई सारा प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ड्यूरसेल का जो पावर बैंक है उसमें दोस्तों जो कॉमन प्रोटेक्शन होता है, बेसिक प्रोटेक्शन होता है, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्बन की अगर बात करें, अर्बन में आपको एक्स्ट्रा बर्बर का प्रोटेक्शन दिया गया है। मतलब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना सारा प्रोटेक्शन, यहाँ पे 12 रियर प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है अर्बन का पावर बैंक में। तो प्रोटेक्शन के मामले में डेफिनेटली दोस्तों विन कर जाता है अर्बन का पावर बैंक ड्यूरसेल के मुकाबले में। अब बात करते हैं वारंटी की। जी हाँ दोस्तों, वारंटी की अगर बात करें, यहाँ पे अर्बन में आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिलता है और ड्यूरसेल में यहाँ पे 2 ईयर का वारंटी देखने को मिलता है। तो वारंटी के केस में दोस्तों ड्यूरसेल विन कर जाता है अर्बन के मुकाबले में। अब लास्ट बात करते हैं दोस्तों कीमत, प्राइस क्या आखिर है दोनों पावर बैंक का, प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं ड्यूरसेल का जो पावर बैंक है वो आपको ऑनलाइन में अभी 399 में देखने को मिलेगा अमेज़न पर, और अर्बन का जो पावर बैंक है वो आपको अमेज़न पर 2499 में देखने को मिलेगा। तो प्राइस के मामले में डेफिनेटली दोस्तों विन कर जाता है अर्बन ड्यूरसेल के मुकाबले में। इतना अच्छा फीचर्स के साथ प्राइस भी दोस्तों बहुत मैटर करता है, तो आप इस चीज को भी दोस्तों ध्यान में रखना। तो दोस्तों मैंने 10 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किया और 3 पॉइंट्स में कंपेयर करने की कोशिश किया दोनों को एक साथ। आप समझ गए होंगे अभी तक कि कौन सा पावर बैंक बेस्ट है। ऐसे दोस्तों 4 बार विन किया ड्यूरसेल और 4 बार विन किया अर्बन, पर मैं आपको कंक्लूजन दे ही देता हूं कि दोनों पावर बैंक में कौन सा आपको लेना चाहिए। देखो आप अगर बजट देखोगे, आप अगर कॉम्पैक्ट साइज देखोगे, आप अगर फीचर्स देखोगे, आपको अगर प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए, आपको अगर बहुत ही छोटा साइज में कॉम्पैक्ट साइज में नैनो पावर बैंक चाहिए, तो आप डेफिनेटली दोस्तों अर्बन का पावर बैंक ले सकते हैं। और आपको अगर लुक और डिजाइन बहुत ही अच्छा चाहिए, वारंटी 2 साल का चाहिए, पावर बैंक का पोर्ट्स ज्यादा चाहिए, तो आप ड्यूरसेल का पावर बैंक ले सकते हैं। ऐसे तो दोस्तों दोनों ही पावर बैंक 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही पावर बैंक दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, आप डेफिनेटली दोस्तों दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर मुझसे पूछो कि कौन सा पावर बैंक मुझे लेना चाहिए, तो मैं तो यहाँ पे बोलूंगा लुक और डिजाइन देखिए क्या ही होगा। पावर बैंक अगर काम आता है दोस्तों चार्जिंग के लिए, तो यहाँ पे मैं दोस्तों बजट को देखते हुए और फीचर्स को देखते हुए, प्रोटेक्शन को देखते हुए, साइज को देखते हुए, मैं यहाँ पे अर्बन का पावर बैंक चूज करूंगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है। दोनों ही पावर बैंक जो बेस्ट बाय लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो बेस्ट बाय लिंक होने वाला है आपके लिए, और उस पर क्लिक करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। ऐसे में आपको बता दूं ये दोनों पावर बैंक दोस्तों 10,000 mAh का जो वेरिएंट है वो भी आता है, उसका भी दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप चेकआउट कर लेना। उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, और अभी तक आप देख रहे हैं तो आपको बहुत मजा आया होगा ये कंपैरिजन में। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक करना, मन में कोई डाउट रह गया अभी तक नीचे कमेंट करके बिल्कुल पूछ लेना, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आपका भाई बहुत ही जल्द बाकी यूट्यूबर्स के मुकाबले में आपको फर्स्ट रिप्लाई करता है। और आप में से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि आप अगर कभी कमेंट करते हो तो कितना जल्दी मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, चाहे रात का 2 बजे और 3 बजे मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो वीडियो के एंड में एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपके पास, वीडियो अगर यूजफुल लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए। हम आपके लिए दोस्तों ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। अब जैसे कि मैं वीडियो को शुरुआत में कहा था दोस्तों दोनों पावर बैंक अनबॉक्सिंग मैंने कर रखा है डेडिकेट वीडियो, तो आपको अगर दोस्तों अर्बन वाला पावर बैंक का अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखना है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देख लेना, और ड्यूरसेल पावर बैंक अगर अनबॉक्सिंग वीडियो देखना यहाँ पे क्लिक करके ये वाला देख लेना। तो देर किस बात की, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।